Hello students, this is Rashni Gupta, your English teacher, and welcome back to class again. In today's class, we are going to learn a very important poem written by Faz Ahmed Faz. The poem is Speak Up. This poem is, was originally written in Urdu, titled "Bol," and translated in English by Shiv K. Kumar, taken from Faz's collection of poems, Nakshe Faryadi, published in 1941. अब बच्चों जो आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्पीकअप ये फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लग लिखी गई बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पोइम है इसे बेसिकली औरिजनली जो है उर्दू में लिखा गया है और इसको ट्रांसलेट शिव के कुमार द्वारा किया गया हिंदी इंग्लिश में सॉरी फैज़ अहमद फॉज फैज़ वॉज़ बॉर्न इन द ईयर 1911 एंड डाइड इन द ईयर 1984. ही वॉज रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू पोइट ऑफ द ट्वेंटियथ सेंचुरी जो फैज़ अहमद फैज थे वो सियालकोट में 1911 में पैदा हुए और उनकी मौत उन्नीस में हुई वो बहुत ही फेमस पोइट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट माने जाते थे उर्दू पोइट्री के ट्वेंटियथ सेंचुरी के ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड बाई विद मनी लिट्रेरी वर्क ही वॉज ऑल्सो ए ब्रॉडकास्टर एंड ए जर्नलिस्ट और वो एक अच्छे जर्नलिस्ट थे बहुत सारी लिट्रेरी वर्क हैं जो उनके फेमस थे

विच गिव द वॉइस टू द वॉइसलेस तो ये पोइम जो है उस टाइम जब 1941 में हम क्या थे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो उस टाइम जो इनजस्टिड हो रहा था जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे थे तो लोग अपने हक में जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो पोइट अपनी इस पोइम के द्वारा उनको बता रहा है कि वक्त है जब तुम अपने लिए आवाज़ उठाओ अब तुम वो वक्त आ गया है कि तुम अपने हक हाँ में बोलो सो लेट्स गो द स्पीक अप स्पीकअप स्पीक अप अब स्पीक अप कहाँ से शुरू होती है स्पीक अप फॉर योर लिप्स और नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन दिस अपराइट बॉडी इज योर्स स्पीक वॉर योर सोल इज स्टिल योर ओन अब पोई जो है ये बेसिकली मैंने बोला कि जो पोइम है उर्दू में लिखी गई है फैज़ अहमद द्वारा जिसका नाम है बोल तो यहाँ पर स्पीकअप का मतलब क्या है बोल बोल के लव आज़ाद है तेरे तो अब पोइट यहाँ पे क्या बता रहा है पोइट कह रहा है कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो बंद नहीं है सिले हुए नहीं हैं सील्ड हमने यूज़ किया कि लिप्स जो हैं तुम्हारे सिले हुए नहीं हैं एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन तो तुम्हारे जो वर्ड्स हैं तुम्हारे जो बोलने का तरीका है या जो बोल सकते हो उसे बोलो दिस अपराइट बॉडी इज़ योर स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर तो कह रहा है कि दिस अपराइट बॉडी अब अपराइट राइट बॉडी का मतलब है कि हम इंसान जो हैं वो सीधे खड़े होते हैं किसी जानवर को देखा सीधे खड़े होने के लिए ना ही उनके पास वर्ड्स होते हैं जानवर के पास कोई वर्ड्स नहीं बोलने के लिए लेकिन हम इंसान जो है अपने हक के लिए बोल सकते हैं स्पीक वाइल योर सोल इज़ स्टिल योर ओन तुम्हारी जो आत्मा है वो भी तुम्हारी है यानी कि इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है स्पीकर फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल ओन दिस ऑपराइट बॉडी इज योर स्पीक वैल योर सोल इज़ स्टिल योर ओन यानी कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो भी सिले नहीं हुए हैं तुम्हारे जो बोल हैं वो भी तुम्हारे अपने हैं तुम अपने हक के लिए बोल सकते हो जो जो ब्रिटिशर्स हैं जो तुम पर म कर रहे हैं अब वो टाइम आ गया है तुम बोलो तुम्हारी जो बॉडी है तुम्हारी जो आत्मा है वो सब तुम्हारी है लुक थेट्स भी थी इट्स रेड ऑन फायर फ्लेम्स द पैडलॉग्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउस एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड अब यहाँ पे जो पोइट है उसने लैंग्वेज जो यूज़ की है वो प्लेनली सिम्बलिक है यानी कि उसने काफ़ी सारे सिंबल्स यूज किए हैं जैसे स्मिथी है ओवन है फायर्स है पैडलॉगस हैं फेटर है स्कर्टिंग है अब इनका मतलब क्या है स्मिथी क्या होता है लोहार जिसे हम भट्टी कहते हैं यहाँ पर मेटल्स को पिघलाया जाता है ओवन क्या है वो तंदूर यहाँ पे आग लगा के उसमें मेटल्स को डाला जाता है ताकि वो पिघल जाए फायर्स जो है बहुत तेज आग पैडलॉक्स जो हैं ताले जिसे जंजीरें बोलते हैं फैटर्स जो जंजीरें बैडी बेड़िए उनको जो लॉक्स लगाए जाते हैं लोहे के उनको हम पैडलॉक्स बोलते हैं स्कर्टिंग जो है किनारे किनारे पे चलना है या उन जंजीरों से या उन चीज़ों से बचने की कोशिश करना तो यहाँ पे कभी ऐसी भाषा का यूज़ कर रहा है जो संकेत दे रहे हैं कि जो लोहार खाने हैं भट्टे हैं जो ज्वाले हैं ताले हैं जो जंजीरें हैं जो हम जो सारे जो हैं उसने जो ग़ुलामी की निशानी है कि अब उन सबको हमें तोड़ देना चाहिए अब यहाँ पे जो ये हर एक जो सिंबल्स उसने यूज़ किया है वो हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए जो तंदूर या भट्टी या गर्मी की बात कर रहा है तो वो उन शहीदों की बात कर रहा है जो इस स्ट्रगल में मर चुके हैं वो कह रहा है कि हमें उन शहीदों को याद करके कि उन्होंने कितने सारे बलिदान दिए हैं जैसे तो उन जो ये जवाल जो लपटें आग की निकल रही हैं वो विरोध की लपटे हैं जो वो उनकी क्या कहते हैं संघर्ष की लपटे हैं तो अब इन जंजीरों को इन तालों को हमें भी तोड़ देना चाहिए इनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इनसे हमें तोड़ के हमें अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि कितने सारे लोग जो इस संघर्ष में मर चुके हैं बेसिकली वो आम लोग को बता रहा है कि अब तुम बोलो अपनी आज़ादी के लिए उन लोगों के लिए बोलो जो इस संघर्ष में मारे गए हैं ठीक है इसी के अब इन्हीं सिंबल्स के द्वारा वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब अपने ही लोगों के लिए अपने ही आप के लिए तो आवाज़ उठाओ स्पीकअप नाओ टाइम्स रनिंग आउट बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अबे टेल एस फॉर ट्रूथ इज़ नॉट येट स्पीक वॉट एवर यू हैव टू से तो अब रनिंग आउट यानी कि जो टाइम है कह रहा है कि वो खत्म हो रहा है अब जो वक्त है वो भी अपनी सीमा को ख़त्म कर रहा है अब वो अपनी कंट्री मैन को कह रहा है कि अब तो बोलो अब इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए क्योंकि टाइम जो है वह ख़त्म होने जा रहा है सो तो आग जो आज़ादी के लिए हमने जलाई है वो भी धीमी पड़ रही है अगर तुम अब भी चुप रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो आग है उस लोहे को जलाने के लिए वो बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा हॉट चाहिए जो अब अगर अब भी तुम तुम्हारे अंदर की आग जो है वो ठंडी हो जाएगी तो तुम्हें कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी पैड लॉक्स और चेन जो ग़ुलामी के हैं वो कभी भी तोड़ नहीं पाओगे वोट कह रहा है कि जो सच है जो तुम फील करते हो जो तुम्हारे अंदर है अब उसे बताओ कि तुम्हें आज़ादी चाहिए इस सब ग़ुलामी से ताकि अपने लिए अब तुम सब बोलने की कोशिश करो जो तुम बोलना वॉट एवर दे हैव टू से जो तुम कहना चाहते अब कहो क्योंकि यही टाइम है तुम्हारे बोलने का तो ये हमारी जो पोइम थी वो कंप्लीट होती है ज़्यादा मुश्किल पोइम नहीं है बहुत इज़ी है अब इसमें हमने बहुत सारे काम चार पांच वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट यूज़ किए अब इसको ध्यान से सुनो और पढ़ो उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाए के करवा दें थैंक यू हैव ए नाइस डे